This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। यह मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि राजेपुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि पिपरासली गांव के पास सुनसान जगह पर 5 से 6 अपराधी जो पहले भी छिनतई की घटनाओं में शामिल रहे हैं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से अवैध हथियार और कारतूस के साथ इकट्ठा हुए। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेपुर पुलिस टीम ने उस स्थान पर घेराबंदी की और राजेश कुमार, सुधीर कुमार, अभिषेक कुमार, चुमन कुमार और करण कुमार को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 6 कारतूस, 2 लोहे के फाइटर, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और 1 पीतल का चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराधियों में से राजेश, चुमन और करण का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। यह गिरोह कम उम्र के लड़कों को भी अपने साथ शामिल करते थे। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अंतर्गत 12/10/24 को एक छिनतई की घटना हुई थी राजेपुर के अंतर्गत और एक मोबाइल छीन लिया गया था। उसी के वो अनुसंधान के क्रम में सारे लोग अपने कि उसके लिए काफ़ी संदिग्धि भरा हम लोगों का अनुसंधान चल रहा था। इसी सिलसिले में ये गुप्त सूचना मिली कि पिपरा असली गांव में वो 5-6 अपराधी हैं जो कि पूर्व में भी छिनतई की घटना कर चुके हैं और वो किसी बहुत बड़े घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और गुप्तचर ने यह भी बताया कि उनके पास काफ़ी निजी असलाहा हथियार वगैरह हैं। तो उसके निशानदेही पे हम लोग की एक टीम निकली जिसमें राजेपुर थानाध्यक्ष उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे और पिपरा असली गाँव में ही यहाँ 5 लोगों को इस एक पिस्टल, एक कट्टा है, एक पीतल का चाकू है, 2 लोहे का फाइटर है और 5 मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसमें से कि 1 मोबाइल तो हम लोग सिद्ध कर दिए हैं कि वो जो छिनतई की घटना हुई थी 12/10 की उसका ये मोबाइल है और बाकी 4 मोबाइल के लिए हम लोग आगे भी अनुसंधान कर रहे हैं। ये 5 जो लोग हैं ये ऐसे कि बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब कि एकदम मतलब कि एक बहुत बड़ा गिरोह खड़ा करने वाले थे, एक बहुत बड़ा गिरोह जो छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किए हुए थे। ये जो 5 लोग हैं इसमें राजेश कुमार, चुमन कुमार और करण कुमार, ये तीनों का ही आपराधिक इतिहास है। बाकी जो 2 हैं अभिषेक और एक और अभिषेक है और एक और लड़का है सुधीर कुमार, ये जो 2 लड़के हैं अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों ने नहीं देखा है। इन लोगों को गिरफ्तार करके और सुसंगत धारा में इनको गिरोह का कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? हाँ, ये हमने कि सब इनका बता रहे हैं। एक राजेश कुमार हैं, पेशर रामनाथ सहनी, साकिन भलुई, थाना साहेबगंज। दूसरे सुधीर कुमार, ये केसरिया जिला पूर्वी चंपारण के हैं। अभिषेक कुमार, ये माधोपुर हजारी के हैं। चुमन कुमार, ये भलुई रसूल के हैं, ये भी साहेबगंज थाना अंतर्गत पड़ता है। करण कुमार, ये साहेबगंज के ही हैं। और आगे हम लोग अनुसंधान इसको और भी लोगों को, इन लोगों के निशानदेही पे और भी लोगों का पता चला है। गिरोह का मोटिव सर क्या होता था? ये मोटिव अधिकांश वो कि आपराधिक कार्य करना जिसमें कि छिनतई है, गुंडई है, किसी का
कुछ भी ये लोग कर सकते थे। अब तो ये कम उम्र के युवा को भी जोड़ा जा रहा था इसमें। हाँ, बिल्कुल कम। इसमें कोई नाबालिग भी था? नाबालिग कोई नहीं था। और जो पकड़े गए हैं वो लूटपाट के अलावा क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कराते थे क्या, इस तरह की कुछ जानकारी? नहीं नहीं, अभी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते। गिरोह का संचालन कौन करता था, गिरोह का मास्टर? इसमें राजेश कुमार है, राजेश कुमार, सुमन कुमार, करण कुमार, ये लोग मुख्य लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को, खासकर इन्होंने विजयादशमी दशहरा का पूरा प्रयोग किया, इसमें दशहरा के जो अवसर पे ही ये लोग इस गिरोह को खड़ा कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के अलावा दूसरे जिले में भी इसके इनका? हाँ, जैसे अमूमन ये केसरिया का है तो इन लोगों का दूसरे जिले में भी इनका गिरोह, तो वो साहेबगंज का जो इलाका है, साहेबगंज, केसरिया और देवरिया, पारू का, ये सब का इलाका, यानी कि इन लोगों का जो जिसने बताया है, जितना नाम इन लोगों ने बताया है, हम लोग टीम लगाए हुए हैं इनके निशानदेही पे, हम लोग उसको छापेमारी करवा रहे हैं जहाँ जहाँ इन लोगों को बताया, इन लोगों ने बताया, बाकी जो भी आएगा अनुसंधान में हम लोग आपसे शेयर करें।